हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज, जो कि रहेंगी शिफ्टिंग, स्केलिंग एंड आपकी लिनियरिटी प्रॉपर्टी डिस्कस होगी। बुक्स में आपको सीधा डेरिवेशन मिलेंगे। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होता क्या है असली में, कि किस तरह से हमारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। मैं आपको सिग्नल्स के जरिए ही समझाऊंगा इसको भी, तो आप इसे प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंट रह के सुने पूरे को। और अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे बाकी के वीडियोस को ज़रूर चेक करें। सो स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में आपका क्या होता है, अगर आप बुक्स में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा कि अगर मान लीजिए कुछ एक्स टी है तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से वो वाई टी हो जाता है, एक्स टी माइनस टी। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए एक फंक्शन था मेरे पास एक्स टी कुछ इस तरह का, इसका कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। ये फंक्शन था, इसमें मैंने शिफ्टिंग लगा दी, मतलब इस टाइम इसके टाइम को थोड़ा डिले कर दिया, तो ये आ गया इस टाइम पीरियड टी पे, मैंने इसे डिले कर दिया, तो ये थोड़ा सा जो मेरा फंक्शन था उसका जो ग्राफ था जिस तरह से वो बना हुआ है वो अलग आगे थोड़ा खिसक गया, तो ये है मेरी शिफ्टिंग। तो अगर मैं कहूं द टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ कंटिन्यूस सिग्नल एक्स टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाई टी, दैट इज एक्स टी माइनस द पीरियड टाइम, ठीक है। इतने टाइम पीरियड से मैंने शिफ्टिंग कर दी है। द टाइम शिफ्टिंग ऑफ अ सिग्नल मे रिजल्ट इन टाइम डिले, तो ये जो वर्जन मैंने आपको दिखाया ये डिले वर्जन, ये डिले करा है, और मे रिजल्ट इन एडवांस, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह से हो जाए एक्स, तो यहां मैंने सिग्नल को पहले चालू करा दिया, ये मेरा एडवांसमेंट ऑफ सिग्नल है। अब इसी चीज का आप लैपलेस सीखेंगे, यहां पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टी लगती है, तो वो किस तरह लगती है, क्या होता है, वो अब आप देखेंगे कि होता क्या है। यहां पर मैंने आपको बस ये बताया है कि शिफ्टिंग होती क्या है। सो स्टूडेंट, मेरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है इफ एक्स टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म है एक्सएस, मतलब टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने एक चीज को, एक फंक्शन को अपना कर दिया सिंपल, बट अगर उसी फंक्शन के डिलेड वर्जन को शिफ्टिंग लगा के, वहां मैंने आपको बड़ा टी बताया था, आप टी नॉट कुछ भी किसी भी तरह डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिनोशन रहेंगे, तो वो आएगा ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट एक्सएस। तो अब ये कैसे होगा, ये आपको जो आपकी ये है प्रूफ करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ आ जाता है, तो मैं स्टार्ट करता हूं प्रूफ। लैपलेस मुझे करना है इसका, तो मेरे लिए कुछ नहीं है, सिंपल पहले एक्स टी लिख दिया, इसी तरह लैपलेस करता हूं। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको लेट करना है इज इक्वल टू लेट से पी, मैं ले लेता हूं कि ये जो चीज है ना ये मैंने पी के इक्वल ले ली, डी टी डीपी हो गया, और अगर मैं कहूं टी मेरा हो गया, सही है, तो ये चीज मैंने लेट ले कर ली, और बाकी के ये रिजल्ट्स तो सिंपल है उसके बाद। अब इसका मतलब इसमें मेरे चेंज आ जाएगा, ये मेरा पी बन गया e टू द पावर माइनस एस टी, ये बन गया टी टी नॉट, ठीक है, और यहां पर डी टी की जगह डी पी बन गया, तो ये आपका प्रूफ, आधा प्रूफ हो गया। सो अब मैं नेक्स्ट देखता हूं, अब क्या करूंगा, यहां से इनको स्प्लिट कर लेता हूं, तो इसको स्प्लिट करूं तो एक ये चीज मैं अपनी अलग लिख सकता हूं बाहर, और अंदर अगर देखूं तो एक्स पी आ गया, e टू द पावर माइनस एस पी आ गया और डी पी आ गया, तो ये तो एक्सएस बन गया ना, इसको आप टी की तरह देखते हैं, एक्स टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये तो होता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन, बेसिक फंक्शन एक्स टी, तो टी की जगह वो मैंने वेरिएबल चेंज करा, पी बनाया उसको, मेरा मोटिव ये था कि ये बाहर लाना, अब उसकी वजह से ये आ गया ई टू द पावर माइनस एस टी नॉट, जो कि मुझे प्रूव करना था, जो मुझे यहाँ प्रूव करना था ये मैंने प्रूव कर दिया।
सो ये मेरी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी भी देख लेता हूं अपनी। सो स्टूडेंट्स, आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है स्केलिंग प्रॉपर्टी। स्केलिंग प्रॉपर्टी में बेसिकली दो तरह से होती है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग होती है और टाइम स्केलिंग होती है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या होता है, ये आपको वैसे पढ़नी नहीं है, आपको टाइम स्केलिंग की सीखना है लैपलेस ट्रांसफॉर्म में मैथ्स में। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ स्केलिंग होती क्या है। एम्पलीट्यूड में क्या होता है, मान लीजिए मेरा ये एक्स टी है, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग में क्या है, एम्पलीट्यूड सम ए के साथ मैं इस एक्स टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो इस सिग्नल का ना एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। मान लीजिए पहले वन था, अब ये ए हो गया। ये हो गया मेरा एम्पलीट्यूड स्केलिंग। अब अगर मैं बात करूं जो मेरे को पढ़ना है, जिसका डेरिवेशन भी मुझे सीखना है, टाइम स्केलिंग, वो कुछ इस तरह होगी कि मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन को मैं ले सकता हूं ऐसे, मान लो ये है -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से है मान लीजिए एक्स टी। अब और वाई टी स्केलिंग कर दी मैंने, इसमें क्या करा एक्स टी में ना 2t कर दिया ऐसे। मतलब अंदर टाइम स्केलिंग होती ही है कि एक्स टी में एक्स ए टी कर दिया मैंने, ये होती है मेरी टाइम स्केलिंग। तो उससे इस पे क्या फर्क पड़ेगा मैं दिखा देता हूं आपको। इसको थोड़ा पतला बनाना चाहिए था मुझे। ये यहां पर -0.5 पे रह गया, ये 0 पे रह गया। मतलब मैंने उसको श्रिंक कर दिया इस तरह से, ये मेरा स्केल, मैंने उसका स्केल चेंज कर दिया फंक्शन का। बाकी फंक्शन वो वैसा ही रहता है, बिहेव भी वैसे ही करता है, सिर्फ मैंने उसका जो स्केलिंग है वो चेंज कर दी। इसको मैं अगर हाफ करूंगा तो ये और चौड़ा हो जाएगा, 1/t/2 कर दूंगा तो ये चौड़ा हो जाएगा, 3 की जगह 6 आ जाएगा, -1 की जगह -2 आ जाएगा। तो ये होती है मेरी स्केलिंग। आई होप आपको समझ आ गई हो। अब इसका जो डेरिवेशन आपको करना है प्रॉपर्टीज में जो पूछते हैं वो मैं दिखा देता हूं। सो मेरी स्केलिंग प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर एक्स टी है, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक्स एस आ गया, तो अगर एक स्केल्ड मेरा कोई फंक्शन है ए टी, स्केलिंग कर दी मैंने इस फंक्शन की, उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है 1/a एक्स ऑफ एस बाय ए। ये मुझे प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैं ले लेता हूं लैपलेस ऑफ, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये कुछ नहीं, 0 से ∞ एक्स ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। कभी भी आपको कुछ भी समझना है तो आप जो बेसिक है वहीं से स्टार्ट करें, उसी तरह से आप अगर करते जाएंगे सही इंटीग्रेशन तो भी आप हमेशा अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। आपको इसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करेंगे इसे। अब ये चीज है, इसमें मैं लेट कर लेता हूं कि मेरा जो ए टी है उसको मैं टी वन लेट कर लेता हूं। तो टी मेरा हो गया टी वन बाय ए और डी टी मेरा हो गया टी टी वन बाय ए। सो ये सिंपल है। अब इसमें पुट करता हूं 0 से ∞ एक्स, इसको मैंने सिंगल टी वन ले लिया है, ई टू द पावर माइनस एस बाय ए, ठीक है, क्योंकि ये था इंटू टी वन और यहां पर डी टी वन बाय ए। अब इसमें से 1/a ये जो है यहां पर, इसको मैं बाहर ले आता हूं तो यहां आ गया 1/a, ये चीज आ गई मेरी। और बाकी अगर मैं देखूंगा 0 से ∞ एक्स टी वन ई टू द पावर माइनस एस बाय ए टी वन डी टी वन, ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स एस बाय ए का
लैपलेस ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर 1 बाय, ये मैंने निकाल दिया जो कि मुझे प्रूव करना था। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी जो कि ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी, अब वो देख लेते हैं। सो द लिनियरिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वेटेड सम ऑफ टू सिग्नल, मान लीजिए दो सिग्नल है, एक सिग्नल और दूसरा सिग्नल x1t x2t, उनका अगर मैं सम करूं इज इक्वल टू द वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल अलग अलग थे और इंडिविजुअल थे, इसका मतलब इसको मैं आपको ढंग से ऐसे समझा सकता हूं कि अगर एक फंक्शन है x1t जिसका मान लो लैपलेस ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया और वो आया ये, और x2t जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म किया वो आया, तो ax1t + bx2t, इसका अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म करता हूं तो ये आएगा ax1s + bx2s। ये है कि अगर मैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ वेटेड सम करता हूं, वेटेड मतलब आगे ये वेट्स लगाने के बाद, इज इक्वल टू वेटेड सम ऑफ इंडिविजुअल, इसका इंडिविजुअल का अगर करके देखूं जो आएगा, जो इंडिविजुअल में x1s उसके ही इक्वल आएगा। तो ये है मेरी लीनियरिटी प्रॉपर्टी और ये मुझे प्रूव करनी है। इसका प्रूफ कैसे है मैं बता देता हूं। सो मैं प्रूफ देखूं तो मुझे क्या करना है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ax1t + bx2t e to the power -st dt। इसका जो प्रूफ है बहुत ज्यादा इजी है। अब इसको इसके साथ रखता हूं तो ax1t st dt, इनको अलग भी कर सकता हूं मल्टीप्लाई करके, +b 0 से इन्फिनिटी x2t st dt, ये ax1s + bx2s। तो इस प्रॉपर्टी में कुछ खास नहीं है, ये बहुत सिंपल है, तो शायद इसका प्रूफ ना ही आए। ये आपकी थी 3 प्रॉपर्टीज। इसके अलावा भी आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको एज अ टॉपिक्स ही मैं पूरा कराऊंगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स एंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि आपके फॉलोइंग वीडियोस में आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखेगा। थैंक यू।